कृष्णा। हाँ, आपने अभी जो बताया कि भगवान सक्षम भी है, दयालु भी है, और हम उनको संपर्क भी कर सकते हैं, और जो आपने बताया वानरों का एग्जाम्पल कि हम भी उनको शरण जाने के लिए हम भी लायक हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब हम भगवान को शरण जाते हैं, भगवान हमें उसका प्रतिसाद देते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन वो हम कैसे समझे? हरे कृष्णा। तो वो समझने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है ना। हमको भक्ति हम जब चालू करता है तब ये हमको समझ में नहीं आता कि ये हम किन से बात कर रहे हैं, अपना मन से बात कर रहे हैं क्या, अपना परमात्मा से बात कर रहे हैं क्या। तो वो हम वो लेवल पे नहीं होता है। तो अपना जीवन में जो भी होता है तो अपना गुरु हमको बता सकते हैं ये कैसे भक्ति से कनेक्टेड है। तो हमको गुरु का आश्रय हम लेंगे तो गुरु हमको वो उनके पास में बराबर लेके जाएंगे। हम अपना बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी लोगों को लगता है मैं इतना सब करने के बावजूद भी भगवान मेरे को ऐसे ही किया है, दुखी दिया है। होता है ना ऐसा अपना जीवन में भी। सब लोग ऐसे ही, अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं मैं इतना सब भक्ति करना, 16 माला चांडिंग करता हूँ, भागवतम सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ होता नहीं। तो हमको जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, भक्ति क्या है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुंदी महारानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में और विपदत संतु सा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवत दर्शन में पुनर्भव दर्शन, मेरे जीवन में और प्रश्न दे दो मेरे को। तो अपना जो वीक्षण दृष्टि है उसको बदलना पड़ता है, उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु मतलब अभी नंद दुला प्रभु उधर बारामती में आते रहते हैं तो प्रभु जी का संपर्क में रहेंगे है ना। तो प्रभु जी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे हम शरणागति एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके हम शरणागति अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है।